दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। आपको मैं आज सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, जिसका एक हिस्सा आप पहले ही सुन चुके हैं। आज की कहानी का नाम है पहला प्यार पार्ट टू। चलिए शुरू करता हूं कहानी। हाय, मैं शिवांगी। आपको पता है ना मैं उस वक्त कैसी सिचुएशन में थी। ये शिव का बच्चा मेरे दरवाजे पे पहुंच गया था, फिर सब उथल पुथल कर देगा। पिछले कुछ महीनों में इस लड़के को अपने मन से बर्खास्त करने की कितनी कोशिश कर रही थी, ये फिर से एप्लीकेशन लेके आ गया, ढीठ कहीं का। आज इतने महीनों बाद जब मैं वो कॉलोनी और उम्मीद दोनों छोड़ चुकी थी, तो ये बिना मेरा पता जाने मेरे पते पे खड़ा था। वो भी तब जब मेरे पापा मम्मी कोई लड़का ढूंढ के ले आए थे मेरे लिए। पर आज जब वो मेरे सामने खड़ा था, तो बजाय इसके कि मैं उसका मुस्कुराकर स्वागत करूं, मैं बताने में भी घबरा रही थी कि मैं यहां हूं। जैसे मैं एक गरीब किसान और वो महाजन जो अपना उधार वापस लेने आया हो। देख रहे हैं ना आप, पढ़ी लिखी लड़कियां भी कैसे पागलों जैसी बातें करने लग जाती हैं जब ये दिल का स्विच खराब हो जाता है। वायरिंग खराब है भैया, वायरिंग खराब है। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। देखती हूं पापा हाथ में मोमबत्ती लिए दरवाजे पे खड़े हैं और वो कह रहा है, जी मेरा नाम शिव है। अब क्या बोलेगा, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। यही तो बोला था ना उसने मुझसे सड़क पे, यही कह के तो फंसा लिया था मुझे। पापा ने कहा, हाँ हाँ आओ बेटा। मैं भाग के नीचे गई। जाते जाते, किसी को बताइएगा मत, अपने कमरे में एक सेकंड के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर यह भी देखा कि मैं ठीक लग रही हूं कि नहीं। फिर ड्राइंग रूम में घुसी, उसे देख के मुस्कुराई। मुस्कुराना ही था। ये कमबख्त लड़का मेरे दिल में मुस्कुराहट जो बिखेर देता था। पापा हम दोनों को बिठाकर अंदर चले गए। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, लफंगा कहीं का। मैंने अचानक रियलाइज किया कि मैं शर्मा रही हूं। मैं जानती थी वो क्या कहने वाला है। वो बोला, तो फिर उसको क्या बोलूं मैं? अगर मुझको चाहता था तो बोलता क्यों नहीं? ये खेल क्यों खेल रहा था? वैसे मेरी शादी के प्रपोजल्स आ रहे थे। कुछ दिनों में तो फिर रोने वाली थी मैं। करेगा अफसोस बाद में, लिखेगा सैड पोएट्री। भाई जो इशारों में सुन रही थी वो उसके मुंह से तो सुनूं, और उस वक्त तक वो मेरे मुंह से मेरे दिल की बात नहीं सुनेगा। लड़की हूं आखिर, नखरे दिखाने का हक बनता है मुझे। अब तो कमरे में पापा भी नहीं थे, कुछ कहता क्यों नहीं? आखिरकार बोला, 7 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा हूं, पानी तो पूछ लीजिए। मैंने कहा, ओ सॉरी। तब तक पापा आ गए, बोले, अरे बहुत दिनों बाद आए आप शिवांगी से मिलने। वो बोला, अंकल असल में मैं शिवांगी से मिलने नहीं आया था, मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, रेजिडेंट एसोसिएशन के कुछ पेंडिंग ड्यूज थे, तो पापा ने कहा था कि मैं आपसे जाके आपका फोन नंबर मांग लूं। मेरे पैरों के नीचे दरी खिसक गई। उम्मीद के जिस घोड़े पे मैं सवार थी वो मिट्टी का निकला। बड़ी ब्यूटी क्वीन समझती हो ना अपने आप को शिवांगी, है? तुम्हारे प्यार में खिंचा चला आएगा गली गली, यही सोचा था ना तुमने? अब ले ओ, वो तो पुराने बिल की बात करने आया था, और मेरे दिल का जो नुकसान हुआ उसका बिल कौन भरेगा? मैं किचन में गई तो दिमाग एकदम सुन्न था। आके उसको पानी दिया और बहुत फॉर्मल हो गई। कहा, कैसे हो तुम शिव, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है?
वो कुछ कहता इससे पहले पापा बाहर आ गए थे। एक कागज पे उन्होंने सारे डिटेल्स लिख दिए थे। वो उठ खड़ा हुआ, बोला, अंकल मैं चलता हूं। पापा ने कहा, अरे बेटा चाय तो पी लेते। वो बोला, नहीं अंकल, 7 किलोमीटर साइकिल चला के जाना है, देर हो गई है। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। आया था तो कितना अपना लग रहा था, जा रहा था तो कितना अजनबी। बॉक्सिंग रिंग में नॉकआउट हो चुके उस हारे हुए खिलाड़ी की तरह, जो फिर भी स्पोर्टिंग होना चाहता था, मैंने कहा, ऑल द बेस्ट शिव। लेकिन बॉक्सिंग का मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। बदतमीज जाते जाते भी मुक्का मारने को तैयार था। मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट नहीं बने, उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं मांगी है। फिर वो पलटा और मस्ती में साइकिल चलाता हुआ चला गया। लफंगा ये भी नहीं बोला, तो फिर यार ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था? मुझे हार्ट अटैक क्यों देना चाह रहा था ये? मैं अपने आप को बड़ा सयाना समझती थी, लेकिन लग रहा था कि दिल के खेल में एकदम फिसड्डी हूं मैं। पूरी रात मुझको नींद नहीं आई और सुबह भी जल्दी उठ गई। कॉलेज जाना था। मेरी पड़ोसी और अब तक की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी रश्मि मेरी जूनियर थी और आज भी मेरे साथ कॉलेज जा रही थी। रास्ते में मैंने रिक्शे पे कहा, यार रश्मि मैं बहुत परेशान हूँ। रश्मि बोली, यार शिवांगी मैं भी बहुत परेशान हूँ और कल मुझे पता लग गया कि मेरी ये परेशानी तू दूर कर सकती है। मैंने कहा, अब क्या हुआ? उसने कहा, मुझे यार ह्यूज ह्यूज क्रश हो गया है अपनी क्लास के एक लड़के से। 6 महीने से उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही हूं और कल उसको तेरे घर पे देखा। तू शिव को कब से जानती है? मैंने सोचा, वाह बहुत बढ़िया, बस इसी की कमी थी। मेरी पहले से उलझी हुई कहानी में बस तुम्हारी ही उलझन की कमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिल की देवी स्वेटर बुनना सीख रही और कंफ्यूज्ड हो। पहले मोजा बनाने लगती थी, फिर बाई बाह। यार देवियों एक बार सोच लो, मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या करना चाहती हो, सोच लो ना। कॉलेज पहुंचे नहीं कि ढीठ लड़कों के देवता हमारे हीरो स्वयं चले आ रहे थे, अपने गले में अपना तकिया कलाम टांगे। वो कहता, इससे पहले मैंने उसे कह दिया, तो फिर? वो बोला, तो फिर बात हम दोनों की हो रही थी और शर्मा रही थी रश्मि, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और दूसरी तरफ वो जो मेरा फ्रेंड बनने की माला जप रहा था। इतना कंफ्यूज्ड बंदा था। शायद रश्मि के लिए ना एकदम ठीक रहेगा। मैं भी अचानक जिद पे आ गई, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैंने कहा, शिव मीट माय बेस्ट फ्रेंड रश्मि। और रश्मि तुम तो शिव को बहुत अच्छे से जानती हो। शिव ने मेरी ओर देखते हुए कहा, हेलो रश्मि, शिवांगी जी की पुरानी आदत है, ये मेरे लिए दोस्त ढूंढा करती हैं। और शिवांगी रश्मि को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लास्ट ईयर एनुअल फंक्शन में इन्होंने फरीदा खानम की गजल गाई थी, हिस्ट्री में 3rd पोजीशन आई थी और मैं हिस्ट्री में 0/सन्नाटा हूँ। शायद नोट्स के लिए इनके पास ही जाना चाहिए। क्यों शिवांगी? मैं तो कुढ़ कुढ़ के आधी हुई जा रही थी। मेरा मन किया कि दोनों का मुंह नोचूं और रश्मि को देखो, हंस हंस के ऐसे शर्मा रही थी जैसे अभी से नई बहू बन गई हो। उसको क्या पता था कि वो फूलन देवी बन के मेरे दिल पे डाका डाल रही थी। मासूमियत से रश्मि बोली, अच्छा शिवांगी तुम्हारे वो लड़के वाले कब आ रहे हैं? उस दिन मैं शाम को घर पहुंची तो पापा मम्मी ड्राइंग रूम में बैठे थे। पापा ने कहा, बेटा चूंकि तुमने मिलने के लिए हाँ कह दी थी इसलिए हमने अग्रवाल साहब से बात थोड़ा आगे बढ़ा ली है। ये सामने लिफाफे में उसी की फोटो रखी है, जब मन करे देख लेना।
फिर उन्होंने गला साफ किया और बोले, कोई और तो नहीं है ना? मैं जमीन की ओर देख रही थी। इस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। कैसा खूबसूरत होता है पहला प्यार, थोड़ी सी सादगी, थोड़ा भोलापन, थोड़ी शरारत, थोड़ी शराफत, थोड़ी शैतानी, थोड़ा सा दर्द, ढेर सारी मुस्कुराहट और थोड़े से आंसू। क्या पहला प्यार सिर्फ परियों की कहानियों में पूरा होता है? पता नहीं। उससे मिलकर पता लगा था कि मैं भी एक परी थी, अंधेरे की परी, और वो एक जुगनू। लेकिन वो जुगनू तो कोई और ही रात तलाश रहा था। मैं उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठी थी। मैं उन उम्मीदों के कारण अपने मां बाप की उम्मीदों को रोकना नहीं चाहती थी। मैं अपने पहले प्यार का इंतजार कर सकती थी, पर मैं जानती थी कि ये मेरे मां बाप के साथ नाइंसाफी होती। और फिर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उसके दिल में क्या था। शायद पहला प्यार होता ही ऐसा है, खूबसूरत, आंखों में सपने सजाने वाला, लेकिन अधूरा, वो जो कभी सच न बने। तभी तो उसकी खुशबू, उसकी छुअन, उसकी टीस जिंदगी भर हमारे साथ चलती है, जो हर बार याद आता है तन्हाई में, बारिशों में, लंबे सफर पे, कोई पुराना गीत बनकर। शायद मेरा पहला प्यार वही सब बनने के लिए मेरी जिंदगी में आया था, एक खूबसूरत याद। मैंने दरी की ओर देखते देखते पापा के सवाल के जवाब में कहा, नहीं पापा, कोई और नहीं है। पापा और मम्मी बड़े खुश। बेटी के बहू बनने का ख्याल हमेशा माता पिता की सबसे बड़ी खुशियों में होता है। बाहर मोटरसाइकिल रुकी, 2 मिनट बाद भैया अंदर आए, मिठाई का डिब्बा लाए थे। पापा बोले, अरे यार मिठाई अभी से क्यों? अभी शिवांगी ने लड़का देखा भी नहीं, पसंद भी नहीं किया, तुम तो अभी से मिठाई बांटने लगे। भैया ने कहा, अरे बच्ची है पापा, इसे इतनी अकल थोड़े अभी। मैं बोली, एक बार मैं। भैया बोले, हाँ हाँ ऑफ कोर्स मिल लो, और क्या, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, लड़का विदेश गया है, 1 महीने में वापस आ जाएगा, तुम तब मिल लेना उससे। मेरा पहला प्यार मेरे हाथों से फिसला जा रहा था। सावन चला गया था, पतझड़ आ गया था, उम्मीद की शाखों पर लगे लम्हे, सपनों के फूल हवाओं में बिखर के उड़ते चले जा रहे थे। मैं कॉलेज से निकलती थी तो लगता था कि मेरे पैर जिन सूखी पत्तियों को रौंदते हुए जा रहे थे, वो मेरे सपने ही थे। कैसा अक्सर होता है मुझ जैसी आम लड़कियों के साथ कि कोई ऐसा जिसे हम पूरी तरह से जानते भी ना हो, जिसके साथ लंबा वक्त गुजारा भी ना हो, वो इतना अपना सा लगने लगे कि हम अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा फैसला उसके कदमों में डाल दें। पहला प्यार शायद पागलपन का ही तो नाम होता है, एक अधूरा पागलपन। इस पागलपन में मैंने अपनी पढ़ाई पे असर होने नहीं दिया, इतनी समझदार हूं मैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं भटक रही हूं और मुझे ये भटकना नापसंद भी है। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। ये भाग्य था या सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक? उसकी मेरी कहानी खूबसूरत इत्तेफाकों से ही तो बनी थी ना। न मेरी मोपेड में उस दिन पेट्रोल खत्म होता, न वो साइकिल से मेरे सामने आता। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या होता?
मेरा दिल कह रहा था कि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो कोई और इत्तेफाक होता, हम कहीं और मिलते, क्योंकि मिलना तो था हमें। इतने खूबसूरत इत्तेफाक इत्तेफाक से नहीं होते। लेकिन मैं उससे कुछ दूरी रखने लग गई थी। मैं जानती थी कि अपने मन को उसके ज्यादा करीब जाने दूंगी तो जल जाऊंगी, कमजोर पड़ जाऊंगी। जून का महीना था, मानसून की दस्तक याद शहर पर पड़ने लगी थी। सोचती थी दुख ना करूं, जब वो मेरा हुआ ही नहीं तो मुझसे बिछड़ता कैसे। शायद मुझे उससे नहीं, उसके ख्याल से प्यार था, या पहले प्यार के ख्याल से प्यार था। याद शहर महाविद्यालय के छोर पर एक बड़ा सा आम का बाग था, वहां मैं कॉलेज के बाद अक्सर बैठी रहती थी, शायद किसी नए इत्तेफाक के इंतजार में। एक दोपहर में ऐसे ही बैठी थी तो वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया, बोला, हाय शिवांगी, तुम कहाँ रहती हो यार आजकल, क्या चल रहा है? मैंने सोचा क्यों नहीं पढ़ लेते मेरे मन की बात। मैंने कहा, कुछ नहीं शिव, बस एग्जाम का प्रेशर है और कुछ नहीं। बोला, यार एक सवाल का जवाब देने में इतना टाइम लगाओगी तो एग्जाम में तो हो गया तुम्हारा कबाड़ा। मैंने सोचा मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब तो हजार बार दे चुकी हूँ शिव, तुम ही ढीठ हो, सुनते कहाँ हो। दो हफ्ते और बीत गए। पापा मम्मी ने मेरे लिए जो लड़का चुना था वो विदेश से वापस आ गया था। एक दिन भैया घर आए और बोले, इस सैटरडे को तुम्हें उससे मिलना है, उसका वीकली ऑफ होता है। उसी सैटरडे को मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे थे और उसके कुछ घंटों बाद मुझे एक नई परीक्षा देनी थी। सैटरडे आ गया किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह। मैं उमरगंज के उस कॉफी शॉप पे पहुंच गई जहां उस लड़के से मिलना था। कोशिश की थी कि ज्यादा सजी धजी ना दिखूं। पीली सलवार कमीज पहनी थी, मां ने कहा था चूड़ी और बिंदी पहन के जाना, तो उनका दिल रखने के लिए वो भी कर लिया था। क्या ये मेरी जिंदगी के फैसले की घड़ी थी? मेरी एक हां मेरी जिंदगी बदल सकती थी। मैं गहरी सोच में डूबी थी। एक आवाज आई, शिवांगी हाय, मैं कुणाल। वो लड़का आ गया था जिसकी फोटो मैंने लिफाफे से निकाल कर देखी तक नहीं थी। वो बैठा और बातें करने लगा। देखने बोलने में अच्छा था, बल्कि गुड लुकिंग था, इंटरेस्टिंग था, म्यूजिक का शौकीन था, पिक्चरें देखना पसंद करता था। हर कुछ मिनट के बाद मैं खुद से सवाल पूछ रही थी, हाँ या ना। मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछा, कुछ अपने बारे में बताया। किसी बैंक में अच्छी पोजीशन पे था, अच्छी तनख्वाह थी। मैंने फिर से खुद से सवाल किया, हाँ या ना। अगर समझौता ही करना था तो ये अच्छा समझौता था, कौन जाने अगला लड़का कैसा हो। नारद मुनि बन के मन जिद पे खड़ा था। उसने फिर से पूछा, हाँ या ना। लड़के ने पूछा, कॉफी। वेटर ऑर्डर लेने आया और मैं मेन्यू पढ़ने के बाद उसको बता ही रही थी कि मुझको क्या चाहिए कि मैं ठिठक गई। मुझसे 5 मीटर दूर पे वो था जो मुझे चाहिए था, शिव। मैंने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की कि सपना तो नहीं देख रही। मैं कैपुचिनो पीते हुए उस लड़के को देखती रही जो हल्की नीली कमीज पहने किसी दोस्त से बातें कर रहा था, और मेरा मन मुझसे सिर्फ 3 शब्द बोल रहा था, हाँ या ना। और अब मैं
बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि जिंदगी जो सवाल पूछ रही थी उसका क्या जवाब दूं, हाँ या ना। दोस्तों, ये था इस कहानी का दूसरा हिस्सा, पहला प्यार पार्ट टू। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। शिव और शिवांगी के रिश्ते में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनाऊंगा पहला प्यार पार्ट थ्री। याद शहर की कहानियां आपको कैसी लग रही हैं ये बताने के लिए मुझसे सीधे संपर्क करिए। मुझसे जुड़ने के तरीके आपको मालूम है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर नीलेश मिश्रा NEELESH MISRA, जिन पर एक वेरिफिकेशन का टिक लगा होगा, उनसे आप सीधे मुझ पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे फिर अगले हफ्ते लेकर एक नई कहानी जिसका नाम है पहला प्यार पार्ट थ्री। अभी चलता हूं, बहुत जल्द मिलेंगे एक बार फिर याद शहर में।